कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर पर बवाल, असेंबली हॉल में फोटो लगाने से कांग्रेस नाराज, कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। कर्नाटक में अगले साल चुनाव है, लेकिन कर्नाटक में सरकार और विपक्ष के बीच बीते लंबे समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर टकराव रहा है। अब ताजा विवाद वीर सावरकर को लेकर है, जिनकी फोटो सरकार ने विधानसभा हॉल में लगवा दी है। विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करने से पहले सरकार को सभी को विश्वास में लेना चाहिए था। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण करने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद अब राजनीति प्रदेश में तेज हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के बाहर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो इस तस्वीर को किसी भी हाल में वहां लगने नहीं देंगे। सरकार पहले तस्वीर को हटाए फिर शत्रु हो। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ गांधी और अंबेडकर का सम्मान करेगी। वहीं बीजेपी के नेता मालविका अविनाश ने कहा कि सावरकर एक आदर्श और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें देश को याद रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हालिया घटनाक्रम से डरी हुई। विवाद शुरू होने के बाद फोटो को फिलहाल सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। अध्यक्ष की कुर्सी के बाएं तरफ सावरकर की फोटो को लगाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने इसे बीजेपी का एजेंडा करार दिया है। उन्होंने सावरकर को एक विवादित शख्सियत भी बताया है। उन्होंने कहा कि तस्वीर के अनावरण को लेकर मुझे कोई न्योता नहीं दिया गया, इसीलिए मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ये सभी जानते हैं कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है। सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे, वे एक विवादित शख्सियत है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर को इस संबंध में लेटर भी लिखा है। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने तस्वीर लगाए जाने पर चुप्पी साध रखी है। इसके अलावा सिद्धरमैया ने कहा कि सावरकर की तस्वीर लगाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी। इस बीच कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पहले जो नेता थे उनके साथ भी प्रॉब्लम थी, सबका अपोज करना ठीक नहीं है। सावरकर एक देशभक्त थे, अंडमान निकोबार की जेल में इतने वर्ष तक रहे, ये कांग्रेसी एक दिन भी नहीं रह सकते। ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने बलिदान दिया, जिसने बलिदान दिया कांग्रेस वह आपका नहीं है, वह जो है वो नकली कांग्रेस है। बता दें कि वीर सावरकर को लेकर अक्सर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी होती रही है। कुछ दिनों पहले भी राहुल गांधी के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं बहुत क्लियर हूं, इस देश में एक और सावरकर और दूसरी तरफ गांधी विचारों की लड़ाई। मेरी राय है कि सावरकर ने डर की वजह से चिट्ठी पर साइन किया, तो वहीं नेहरू पटेल गांधी सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। सावरकर का चिट्ठी पर साइन करना हिंदुस्तान के सभी नेताओं के साथ धोखा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।